सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम जा रहे हैं फिलहाल बदलापुर में, बदलापुर कोंडेश्वर। अभी टाइम हुआ है 3:17 हो चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बदलापुर में, बदलापुर में एक प्लेस है कोंडेश्वर करके, तो अभी अपन वहाँ पे जा रहे हैं। आज सुबह से ही थोड़ी थोड़ी बारिश भी चालू है, अभी फिलहाल तो बंद है लेकिन बीच बीच में आती है। तो मैं सुबह ही निकलने वाला था लेकिन सुबह बहुत तेज बारिश चालू थी, इसकी वजह से सुबह नहीं निकला। अभी बारिश रुक गई है तो सोचा जाके आते, बाकी आपको भी दिखाते अभी फिलहाल कोंडेश्वर का कैसा सीन है। मतलब वाटरफॉल्स वगैरह तो चालू हो चुके हैं वहाँ के, तुम भी जाके देखते कैसा सीन है और आपको भी दिखाते। भाई गजब लग रहा है भाई, दोनों साइड में माउंटेन है और वो पूरे हरे भरे हो चुके हैं और बीच में से रास्ता जा रहा है। मानसून के टाइम पे ना आप कौन सी भी जगह पे जाओ, किधर भी जाओ, तो राइड करने का मजा ही अलग आएगा। कि अभी ये साइड में बारिश भी नहीं है, अपने लिए अच्छा है क्योंकि अपन ने गोप्रो के ऊपर अपना वाटरप्रूफ केस नहीं लगाया है। क्योंकि वाटरप्रूफ केस में सीन कैसा होता है कि उसमें फॉग जम जाते हैं और वीडियो अच्छे से क्लियर नहीं आता है। तो मैंने एक जुगाड़ किया है, गोप्रो के ऊपर एक पन्नी लगाया है और लेंस के ऊपर से उसको ऐसा गोल राउंड से कट किया है और उसको रबड़ से बांध दिया है, आप देख सकते हो मिरर में। ये कुछ अपना जैसा जुगाड़ है, देसी जुगाड़, अच्छा है। गोप्रो को पानी नहीं लगता लेकिन ज्यादा बारिश आई तो निकलना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा बारिश में रिस्क नहीं ले सकते भाई, पानी जाना होगा तो कैसे भी जा सकते हैं अंदर। कोंडेश्वर के लिए बदलापुर खरवई से ही रास्ता जाते हैं। अभी अपन नेरल करजत साइड से जा रहे, देखिए यहाँ पे रूट है, देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा है जुवेली करके, यहाँ पे अंदर जुवेली विलेज है। आप करजत साइड से आ रहे होगे तो करजत साइड से ये रोड आता है, तो आपको यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जुवेली, यहाँ से अंदर जाने का स्ट्रेट स्ट्रेट रास्ता है। बाकी आप उल्लासनगर कल्याण साइड से आ रहे होगे तो वहाँ पे खरवई का एक सर्कल है, मेन सर्कल, वहाँ से भी रास्ता आता है। मतलब दोनों रास्ते आगे जाके मर्ज हो जाते, मतलब आप करजत साइड से आ रहे होगे तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही आप अंदर के साइड में जा सकते हो। बाकी आप उल्लासनगर कल्याण साइड से आ रहे होगे मतलब वो साइड से आपको नज़दीक पड़ेगा। अभी जाके दिखाते हैं आपको, देखिए ये सामने ही खरवई का सर्कल है, यहाँ से लेफ्ट साइड में आप रोड देख सकते हो। ये जो अंदर के साइड में रोड जा रहा है यहाँ से आप जा सकते हो, दोनों रोड्स आगे जाके मर्ज हो जाते। तो अपने को एक छोटा सा काम है, एक चीज़ देने की है, वो चीज़ देते और फटाफट से आते। सो गाइस अभी हम अपना काम निपटा के आ चुके, अभी अपन पहुंच चुके खरवई में। अभी यहाँ से अपने को राइट साइड में जाने के अंदर देख सकते हो, ये खरवई का सर्कल है नाका, यहाँ से अपने को राइट साइड में यहाँ पे अंदर जाने गए। बारिश भी शुरू हो चुकी है भाई टाइम पे ही, देख सकते हो ये कुछ एंट्री गेट है जुवेली गांव का। ये आपको जो रूट दिखाया था वो अपने लेफ्ट साइड से आता है, ये साइड से वो रूट आता है और अपने को जाने का है यहाँ पे राइट साइड में। जुवेली गांव का जो एंट्रेंस है, एंट्री गेट है, वहाँ से पहला ही टर्न है राइट साइड का। भाई साहब ज़्यादा ही ज़ोर से बारिश आ गई, तो गोप्रो के ऊपर रिस्क है थोड़ा, क्योंकि गोप्रो की जो लेंस है वो अपन ने ओपन रखी है, उसके ऊपर पानी लग सकता है, लेकिन देखते फिर भी। गोप्रो के लेंस के ऊपर पानी तो गिर रहा है लेकिन गोप्रो को अंदर आए हो पानी नहीं लग रहा होगा,
कि अभी लास्ट टाइम अपन आए थे, अपन ने ये नीचे की साइड से गए थे, यहाँ से गए थे, क्योंकि ये पुल का काम चालू था, लेकिन अभी ये पुल भी बन चुका है भाई। नीचे देख सकते हैं, अपन वो रूट से गए थे लेकिन वहाँ पे अभी पूरा पानी हो चुका है भाई। हेलमेट के ऊपर जो बारिश के जो बूंदे गिर रही है ना, उसका जो आवाज़ आ रहा है ना, जैसे कि पत्थर गिर रहे, इतनी तेज आवाज आ रही है। भाई ये सिटी की वाटर क्रॉसिंग। ओ भाई, बारिश के टाइम पे ऐसा खड्डों में पानी भर जाते तो खड्डे दिखते भी नहीं। सो अभी यहाँ पे एक डाइवर्जन है, तो यहाँ से राइट साइड में जाने गए फिर कुछ ऐसे स्टॉल से खाने के लिए। देख सकते हो यहाँ पे दो रूट है, तो अपने को यहाँ से राइट साइड में जाने गए। भाई साहब, राइडर्स लोग लद्दाख जाके वाटर क्रॉसिंग करते, लद्दाख जाके वाटर क्रॉसिंग का मज़ा लेते, लेकिन अपन तो सिटी में ही रह के वाटर क्रॉसिंग का मज़ा ले रहे। ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप देख सकते हो सामने ही एंट्री गेट आ चुका है। ज़्यादा दूर नहीं है और रोड्स भी इतने अच्छे बन चुके हैं कि तुरंत पहुंच जाते हैं यहाँ पे। भाई साहब, आप व्यू देख सकते हो। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे ही रिवर आ चुकी है। भाई पब्लिक देख रहे हो, कितनी पब्लिक एंजॉय कर रही है यहाँ पे। ये कुछ यहाँ की रिवर है। आप प्लेस देख सकते हो कैसा है, यहाँ पे पब्लिक फुल एंजॉय कर रही है। तो यहाँ से ही सामने ही आगे जाओगे तो कोंडेश्वर टेम्पल है, अभी अपन वहाँ पे जाते। अभी जाते आगे टेम्पल के यहाँ पे। ओ भाई, सामने का आप व्यू देख सकते हो, पूरे पहाड़ के ऊपर कोहरा ही कोहरा जमा है। आई होप आपको GoPro में दिख रहा होगा, और सामने का जो पहाड़ है ना, सब ऐसे लाइन से वाटरफॉल लगे यहाँ पे, और पूरे पहाड़ के ऊपर कोहरा ही कोहरा है। यहाँ पे भी लोग रुक के स्पॉट का मजा ले रहे हैं फुल। यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच शुरू होने वाले, कि सामने का जो व्यू आ रहा है ना भाई, नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है। और ये अपने साइड में ही रिवर है भाई, नजर हटी दुर्घटना घटी डायरेक्ट नीचे ही। अरे यहाँ से फुल ऑफ रोडिंग पैच है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा पैच आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे दो रोड से। ये जो नीचे का रोड जा रहा है, ये पूरा कोंडेश्वर टेम्पल के यहाँ पे जा रहा है। अभी यहाँ पे ही सामने ही कोंडेश्वर टेम्पल है। भाई साहब, यहाँ पे भी पब्लिक है लगता है, बहुत भीड़ है। भाई यहाँ पे लगाते गाड़ी अभी पार्किंग के लिए। सो गाइस, आप देख सकते हो अभी हम पहुँच चुके हैं कोंडेश्वर टेम्पल के यहाँ पे। यहाँ पे ही अपन ने गाड़ी पार्किंग की है, और ये सामने ही देख सकते हो, अपन लास्ट टाइम आए थे तो ये रिवर में कुछ पानी नहीं था, अभी पानी देख सकते हो पूरी रिवर भर चुकी है। अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं अंदर का व्यू कैसा है, आपको भी दिखाते। तो गाइस, आप देख सकते हो अभी अपन टेम्पल के अंदर आ चुके।
ये यहाँ पे एंट्री गेट है, बाहर पार्किंग है, और आप इंटर करोगे तो सामने यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है। अभी जाते हैं अंदर टेंपल के अंदर, देखते हैं अंदर का कैसा व्यू है और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉल्स है तो ये बैक साइड का कुछ वाटरफॉल है टेंपल के बैक साइड में भी। वहाँ पे एंट्री बंद है लगता है फिलहाल, क्योंकि बैक साइड में भाई बहुत रिस्की है। फिर जाते आपको दिक्कत है, यहाँ पे शूज़ वगैरह निकालना पड़ता है अंदर जाते वक्त, तो अपन भी यहाँ पे शूज़ निकालते। अभी अपन ने हेलमेट और रेन कवर यहाँ पे निकाला है। फिर यहाँ पे आपको दिक्कत है, फिर पूरी रिवर भर चुकी है, देख सकते हो। ये सामने ही टेंपल है, अभी बैक साइड में एंट्री बंद है फिलहाल, क्योंकि ये जो बैक साइड का जो वाटरफॉल है भाई वो बहुत रिस्की है। आप पानी देख सकते हो रिवर का, कितना पानी भर चुका है। लास्ट टाइम अपन आए तो यहाँ पे कुछ पानी नहीं था, और ये बैक साइड का वाटरफॉल है। यहाँ पे भी एक है, और यहाँ मंदिर के पीछे से भी एक आता है, दो वाटरफॉल है यहाँ पे। लेकिन भाई ये जो बीच में का जो पोर्शन है ना भाई, वो बहुत रिस्की है, की वजह से यहाँ पे ऐसे बैरिकेड्स लगाए, अंदर एंट्री नहीं है। अभी जाते हैं अंदर, अंदर से भी आपको व्यू दिखाते हैं कैसा है टेंपल का। देख सकते हो श्री क्षेत्र कोंडेश्वर देवस्थान, अंदर से कुछ आपको दिखाते हैं कैसा है। देख सकते हो अंदर से कुछ ऐसा है, और यहाँ से आपको बैक साइड का वाटरफॉल दिख जाएगा। ये देखिए ये वाटरफॉल का फ्लो देख सकते हो कितना ज़्यादा है। यहाँ पे बीच में भी पानी के अंदर भी एक टेंपल है, लेकिन वो अभी फिलहाल बंद है बारिश के टाइम पे। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक वाटरफॉल है, और यहाँ से भी एक वाटरफॉल है। आप पानी का फ्लो देख सकते हो कितना तेज है भाई। तो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से, कि यहाँ से जो व्यू आता है ना भाई, नेक्स्ट लेवल व्यू है। ये पॉइंट पे आप देख सकते हो कितनी पब्लिक रुकी है यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए। कि अपन भी जाते बस व्यू का मज़ा लेते यहाँ से भाई, लेकिन रोड पूरा स्लिपरी हो चुका है। यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना भाई, नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है। सो अभी अपन जाते आगे ऊपर, देखते ट्राई करते ऊपर जाने के लिए भाई, लेकिन रास्ता रोड बहुत स्लिपरी रोड से। वो साइड से बहुत स्लिपरी है, अपन ये साइड से ही जाते, कि वो साइड से रोड देख सकते हो कितना स्लिपरी हो चुका है। इस साइड से थोड़ा सा अच्छा है फुल ऑफ रोडिंग चल रहा है यहाँ पे। जो पैच है ना भाई, सच में बहुत हिल क्लाइम पैच है। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना भाई, नेक्स्ट लेवल, को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। गोप्रो में भी इतना कैप्चर नहीं हो रहा था, लेकिन सामने से जो व्यू आ रहा है ना भाई, नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे ही गाड़ी लगाते, बाकी आप व्यू देख सकते हो। यहाँ से आप पहाड़ देख सकते हो कितना स्टीफ है नीचे, और सामने का व्यू देख सकते हो भाई। जो सामने के पूरे पहाड़ से, पूरे के पूरे पहाड़ के ऊपर पूरे ऐसे बादल आ चुके, देख सकते हो ये पूरे नीचे ऐसे बादल आ चुके, और पहाड़ पूरे ऊपर तक है। ये सामने आप देख सकते हो यहाँ पे कोंडेश्वर टेम्पल है, और ये रिवर है। एकदम पीसफुल जगह है भाई। अभी अपन निकलते हैं यहाँ से,
हल्के हल्के बारिश भी आने शुरू हो चुके। बाकी आप व्यू देख सकते हो, बदलापुर में बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए। आप बदलापुर के साइड में नज़दीक हो गए तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। बाकी ज़्यादा दूर भी नहीं है और एकदम पीसफुल जगह है, तो अभी निकलते यहाँ से फटाफट। बाकी अभी रास्ता बहुत स्लिपरी है भाई, नीचे जाते वक्त गाड़ी बहुत स्लिप होने वाली है। ओ भाई पे पूरा कीचड़ है। अभी अपन जिस साइड से आए उसी साइड से जाते, क्योंकि ये साइड में तो पूरा कीचड़ है। वो साइड में भाई गाड़ी अंदर चली गई है। ओ भाई गाइस आप देख सकते हो टायर यहाँ से पूरा स्लिप हो चुका था, अंदर के साइड में गया था, टेम्पू ने निकाली है बाहर। भाई पूरा स्लिपरी एरिया है और वो साइड से कीचड़ देख सकते हो, पूरी गाड़ी फंस जाती थी वो साइड से आते थे तो। ये रोड आपको गोप्रो में दिख रहा होगा सीधा सीधा, लेकिन बहुत स्लिपरी है और ज़्यादा रेस दे नहीं सकते, क्योंकि रेस दिया तो गाड़ी डायरेक्ट ऐसे जगह पे गोल गोल घूमेगी। कि अभी यहाँ पे एक रिवर का ब्रिज है, आते वक्त अपन ने देखा था वहाँ पे बहुत सी पब्लिक है। ये देखी यही ब्रिज है, यहाँ पे पब्लिक देख सकते हो कितना ज़्यादा है। किड्स देख सकते हो कितने, और यहाँ पे कुछ ऐसे खाने के लिए स्टॉल्स वगैरह भी लगे हैं। अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, क्योंकि बारिश भी आनी शुरू हो चुकी है। क्या आपको प्लेस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर जाते फटाफट से, बारिश भी आनी शुरू हो चुकी है और अपने गोप्रो में बैटरी भी नहीं है फिलहाल इतनी ज़्यादा। अभी अपन वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते, क्योंकि अपने गोप्रो में चार्जिंग भी ख़त्म हो चुकी है और बारिश भी आनी शुरू हो चुकी है, तो गोप्रो को ज़्यादा देर बारिश में रख नहीं सकते। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।